काफी सारे प्रोजेक्टर्स का रिव्यू करा है, लेकिन आज इस प्रोजेक्टर को मैं बोलूंगा टोटल पैसा वसूल। ये है ईगेट का S9 Pro प्रोजेक्टर और ये बजट कैटेगरी का वो प्रोजेक्टर है जिसको मैं कह सकता हूँ बिल्कुल पैसा वसूल। आइए इसके फीचर्स के बारे में जानते हैं, इसको टेस्ट करते हैं और मेरा कंक्लूजन क्या है इस प्रोजेक्टर को लेके, सारी बात करते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं BR Tech Films और इस तरह के बढ़िया गैजेट्स के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये बजट कैटेगरी का वो प्रोजेक्टर है जो डस्ट प्रूफ सील्ड ऑप्टिक्स के साथ में आता है। एक फुल HD प्रोजेक्टर है लेकिन ये 4K अपस्केलिंग को भी सपोर्ट करता है। ल्यूमेंस की बात करूं तो इसमें आपको 9000 ल्यूमेंस मिलते हैं और अगर मैं NC ल्यूमेंस की बात करूं तो वो है इसमें 630। कॉन्ट्रास्ट रेशियो की बात करूं तो इसमें 15,000:1 का डायनेमिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो है और स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी बता रखा है इस बार ईगेट ने, जो कि है 4500:1। एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है जिसमें आपको ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही में इसमें ऑटो ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस का ऑप्शन भी है, साथ ही में स्क्रीन फिट प्लस ऑटो टिल्ट जैसे फीचर्स के साथ में ये प्रोजेक्टर आता है। इस प्रोजेक्टर के अंदर में आपको ड्यूअल बैंड वाईफाई देखने को मिलने वाला है, साथ ही में इसमें वाईफाई 6 का सपोर्ट भी है और इसमें ब्लूटूथ का वर्जन है 5.0। साथ ही में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, इस प्रोजेक्टर के अंदर में आपको 2GB की रैम और 32GB की इनबिल्ट स्टोरेज देखने को मिल रही है, जो कि बजट कैटेगरी के अंदर इस प्राइस पॉइंट के अंदर काफी बढ़िया चीज है। और अगर मैं प्राइस की बात करूं, आप सोच रहे होंगे 10,000 में एक बढ़िया प्रोजेक्टर लेने का, तो मैं ये कहूंगा थोड़ा सा बजट बढ़ा के 13,990 रुपये इसकी करंट प्राइसिंग है एंड इस प्राइस पे ये प्रोजेक्टर इसीलिए मैंने कहा था पैसा वसूल है। आइए अब इसका रियल टाइम परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। आइए सबसे पहले बॉक्स कंटेंट के ऊपर नजर डालते हैं, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, प्रोजेक्टर की पैकेजिंग कैसी है, वो सब चीजें देखते हैं। पैकेजिंग यहाँ पे काफी सिक्योर लगी मुझे, पैकेजिंग अच्छी है, साथ में आपको एक किट मिलती है प्रोजेक्टर के अलावा। यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड मिल रहा है, अगर आप ये प्रोडक्ट खरीदते हैं वारंटी को रजिस्टर जरूर करना। एक HDMI केबल मिलती है, एक AV के कनेक्टर केबल मिलती है पुराना कोई डिवाइस कनेक्ट करना हो, पावर की केबल मिलती है और एक सुंदर सा रिमोट कंट्रोल, और ये रिमोट कंट्रोल आपका ब्लूटूथ पे काम करता है। प्रोजेक्टर के फ्रंट में आपको जो है ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन के सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे, काफी स्लीक सा डिजाइन है। ऊपर की तरफ में आपको एक बटन मिलता है स्टैंड बाय पे, रेड लाइट यहाँ पे चलती है, ऑन होने के बाद में इसमें ग्रीन लाइट मिलती है, ईगेट की ब्रांडिंग है साइड में। साइड में 5W का स्पीकर है। नीचे की तरफ में हाइट एडजस्टिंग स्क्रू आपको देखने को मिलता है, उसके ठीक नीचे आपको ट्राइपॉड माउंट या फिर इसी से सीलिंग माउंट भी कर सकते हैं। बैक साइड में आपको हीट सिंक मिलती है और उसी के बगल में आपके सारे पोर्ट्स हैं। AV पोर्ट मिलता है, 3.5mm वाला ऑडियो पोर्ट मिलता है, स्पीकर्स हेडफोन्स कनेक्ट करना चाहे तो HDMI के 2 पोर्ट मिलते हैं और ये प्रोजेक्टर HDMI ARC को भी सपोर्ट करता है प्लस HDMI CEC को भी सपोर्ट करता है, और साथ ही में आपको USB के 2 पोर्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। इस प्रोजेक्टर को IP रेटिंग भी दे रखी है, IP6 की डस्ट प्रूफ रेटिंग के साथ में आता है और इसका जो इंजन है ना, अंदर का पूरा जो मशीन है वो आपको ऑप्टिकली सील्ड इंजन मिलता है, तो ये काफी अच्छी बात है, जल्दी से इस प्रोजेक्टर के अंदर डस्ट नहीं जाने वाली। अब एक चीज अच्छी है, इसको ऑन करती है ऑटो फोकस और ऑटो कीस्टोन जो है उसे फटाफट ले लेता है। बाकी मैं एक और चीज बताऊं, जब आप इसे फर्स्ट टाइम सेटअप करेंगे तो इसके रिमोट को भी आपको इस तरह सेटअप करना होगा, साइड्स के दोनों बटन दबाने हैं, स्क्रीन पे इंस्ट्रक्शंस यहां पर लिखे होते हैं और ये पेयरिंग फटाफट जो है हो जाती है। अगर आप इस तरह से पेयर नहीं करेंगे तो रिमोट तो आपका काम करेगा लेकिन IR पे काम करेगा, ब्लूटूथ पे नहीं। अभी ब्लूटूथ के साथ में भी पेयर है हमारा रिमोट। इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको जूम के भी 3 ऑप्शन मिलते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या फिर होल जूम आपको करना हो वो ऑप्शन इसमें मिलता है। 4-point कीस्टोन का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, चारों कॉर्नर्स आपको एडजस्ट करने हो वो ऑप्शन भी मिलता है, एक्स और वाई को भी सेट करना हो वो ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। एंड्रॉइड 9 के साथ में आता है, 2GB की इसमें रैम और 32GB की स्टोरेज इसमें मिलती है और CPU इसमें क्वाड कोर लगा हुआ है और माली GPU लगा हुआ है। स्क्रीन की ब्राइटनेस की बात करूं, रियल टाइम परफॉर्मेंस की बात करता हूं, जैसे ही मैं हर वीडियो में प्राइस पॉइंट के हिसाब से मैं प्रोडक्ट को जज करता हूं, यहां पे ब्राइटनेस डेफिनेटली प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग मुझे ये ब्राइटर प्रोजेक्टर लगा। प्रोजेक्टर में ब्लूटूथ का ऑप्शन तो है, यानी इससे ब्लूटूथ स्पीकर आप कनेक्ट कर सकते हैं, इस प्रोजेक्टर को भी एज अ ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर सकते हैं आप। इसके अंदर आपको ढेर सारी एप्स प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी और आप चाहें तो और भी एप्स इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। इंटरफेस भी इसका काफी स्मूथ है, यूट्यूब पे फुल HD 30 FPS वाले वीडियोस को ये स्मूथली जो है रन करता है। बाकी इसके अलावा 4K अपस्केलिंग का ऑप्शन मिलता है लेकिन उसके लिए आपको एक्सटर्नल डिवाइस इस पे कनेक्ट करना होगा। कॉन्ट्रास्ट की बात करूं तो इसका जो कॉन्ट्रास्ट है ना वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग में। पिक्चर क्वालिटी इसकी शानदार निकल के आती है, फुल HD वीडियोस को ये स्मूथली प्ले करता है और अच्छी बात ये है इसमें मोशन ब्लर का भी कोई इशू मैंने नोटिस नहीं किया।
250 इंचेस मैक्सिमम स्क्रीन साइज को ये प्रोजेक्ट कर सकता है। मैंने इसको 100 इंच तक ले जाने की कोशिश की एंड वहां पे इसके कॉर्नर्स में किसी तरह का ब्लर इशू नहीं देखा। मेन्यू बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे ना तो आप इसकी पिक्चर को भी कस्टमाइज कर सकते हैं इसके इनबिल्ट एंड्रॉइड पे। साथ ही में आप इसकी साउंड को भी कस्टमाइज करना चाहें इनबिल्ट एंड्रॉइड पे, वो ऑप्शन भी इस प्रोजेक्टर के अंदर मिल जाता है। तो यह हुआ ना पैसा वसूल वाली बात। मैंने इस पे एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट किया जो कि है मेरा सर्टिफाइड एंड्रॉइड टीवी बॉक्स। उसके बाद में 4K 30 FPS वाले वीडियोस को काफी स्मूथली ये रन करता है। यहाँ भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, HDMI CEC का ऑप्शन इसमें मिलता है, ARC का ऑप्शन भी आपको इस प्रोजेक्टर के अंदर देखने को मिलता है। तो कस्टमाइजेशन के जो ऑप्शंस आपको मेन्यू के बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करना है, उसके बाद में आप एक्सेस कर पाएंगे एंड ये सारे ऑप्शंस अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं हर बार कहता हूं कि प्रोजेक्टर को सेंटर में प्लेस करेंगे ब्लर फ्री एक्सपीरियंस के लिए, वही मैं इस प्रोजेक्टर के साथ में भी कहना चाहता हूं। अगर आप 150 इंच की स्क्रीन को भी प्रोजेक्ट करेंगे आपको कॉर्नर ब्लर का इशू इस प्रोजेक्टर में नहीं मिलने वाला, बस आपको प्रोजेक्टर को सेंटर में प्लेस करना है। एंड इस पे अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते हैं, वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को भी इंजॉय करने वाले हैं। ब्राइटनेस भी इसकी अच्छी खासी है। साथ ही में मैंने फ़ोन की स्क्रीन कास्ट को इस पे करके देखा, फ़ोन की स्क्रीन कास्ट में भी मुझे किसी तरह का लैग यहाँ पे नहीं मिला। तो एंड्रॉइड या फिर आपके पास आईफोन है, दोनों को आप कास्ट कर सकते हैं। साउंड सैंपल भी सुनाता हूं। इनबिल्ट स्पीकर की बात करूं तो इनबिल्ट जो स्पीकर है वो 5 वॉट का है, उसमें आपको लाउडनेस भी मिल जाती है और किसी भी तरह की मेजर डिस्टॉर्शन मैंने यहां पे फील नहीं करी है। बाकी आपके पास में HDMI ARC का ऑप्शन है ही, ब्लूटूथ का ऑप्शन भी है और 3.5mm का पोर्ट भी इस प्रोजेक्टर के अंदर है, तो अपना कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर सिस्टम आप इस पे कनेक्ट कर पाएंगे। तो मेरी टेस्टिंग में लगातार इसको टेस्ट करने के बाद में मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि फॉर द प्राइस ऑफ 13,990 रुपीज़ ये प्रोजेक्टर एक काफ़ी बढ़िया और ब्राइट और शार्पर वीडियो क्वालिटी निकाल के देता है। तो डेफिनेटली एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से अगर आप ये प्रोजेक्टर लेना चाहते हैं इस बजट में, ये एक काफ़ी बढ़िया चॉइस हो सकती है। साथ ही में आप चाहें तो इस प्रोजेक्टर को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रोजेक्टर को पिछले 2 दिन से लगातार टेस्ट कर रहा हूं, इसमें मैंने ओवरहीटिंग का कोई भी इशू नहीं देखा। लैंप लाइफ की बात करूं तो वो है 30,000 आवर्स की, जो कि काफी ज्यादा होता है। और मैं आपको यही रिकमेंड करता हूं कि प्रोजेक्टर को एक बार अगर आप चलाते हैं 3-4 घंटे, उसके बाद में रेस्ट देना चाहिए प्रोजेक्टर को लॉन्ग लाइफ के लिए। तो ओवरऑल मुझे तो ये प्रोजेक्टर काफी ज्यादा पसंद आया। फॉर द प्राइस पॉइंट काफी बढ़िया फीचर्स लेके आता है एंड इसका परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है। अगर आपको ये प्रोडक्ट खरीदना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका बेस्ट बाय लिंक दे रखा है, आप वहां से इसे खरीद सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है ना तो कमेंट जरूर करना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे इस वीडियो को, इस तरह के वीडियोस और बनाने का मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा आपके एक लाइक के थ्रू। साथ ही मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूं, तो मुझसे कुछ बातचीत करनी है तो वहां पे मुझे जरूर फॉलो करना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में कुछ और गैजेट्स के साथ। कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना मत भूलना।